हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। ये देखिए ठंडी का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। चारों तरफ देख रहे हैं पेड़ है, पेड़ पेड़ से जो पानी गिर रहा है, ये देख रहे हैं गाड़ी पूरा भीगा हुआ है। क्या ठंडी का माहौल है भाई, आप लोग बताइए आपके यहाँ कैसी ठंडी पड़ रही है। यहाँ तो भयंकर ठंडी पड़ रही है, दिन में कभी कभार धूप भी हो जाता है और बारिश की तरह से ओस गिरता है। अगर जिस दिन धूप हो गया उस दिन रात में तो भयंकर गिरेगा, पूरी सड़कें भीग गई हैं, पूरा वो हो गया है, ऐसे लग रहा है कि बाबा। ये देखिए शीशा से दिखिए गाइस, ये देखिए कितना भयंकर, इसमें वाइपर मारना पड़ता है। कितना भयंकर, बापरे क्या ठंडी पड़ रही है। वैसे मज़ा आता है इस ठंडी के सीजन में भी, कोहरे में अगर दोपहर के टाइम पे भुट्टा मिल जाए खाने को और ठंडी ठंडी हवा ऐसे चलती रहे, ठंडी रहे, बस शरीर गर्म रहे, मज़ा आ जाता है। ये देखिए अब सामने कुछ दिख नहीं रहा, इतना भयंकर कोहरा है कि सामने कुछ दिखना मुश्किल हो जा रहा है। देख रहे हैं अब ये मोड़ है यहाँ पे, थोड़ी दूर पहले दिख ही नहीं रहा था। कितना बचा के चलना पड़ रहा है हॉर्न देते हुए, क्योंकि आगे लोग आ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए किसी का। चलिए गाइस लगे रहिए आज के ब्लॉग में और प्लीज़ मेरा ब्लॉग शेयर करिए, लाइक करिए। लास्ट वाला ब्लॉग देखिए बहुत अच्छा बना है, अब मेरा गिम्बल भी आ गया है तो और अच्छा बनेगा धीरे धीरे एक एक चीज़ें। आइए लगाइए, अभी सुबह के 9 बजे हैं, आज ड्यूटी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ और इतनी भयंकर ठंडी है आप देख ही रहे हैं, बट क्या करें, काम है, जाना ही पड़ेगा। बीमारी वर्क ये सब तो ठंडी गर्मी नहीं देखेगी ना, जाना तो पड़ेगा। स्कूल तो है नहीं छोटे बच्चों का कि चलो छुट्टी कर दो। ठीक है गाइस, तो लगे रहिए और देखते रहिए, मैं दिखाता हूँ आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। हाँ कितना ठंडी है यार आज, चारों तरफ कितना कुहासा है, एकदम बिल्कुल हालत ख़राब है एकदम बिल्कुल। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं पिपराई से गोरखपुर और ये देखिए ये मेरी मेडिकल टीम है पूरा, ये है गोविंद, ये किसान श्यामकरण गाड़ी चला रहा है और मैं तो हूँ। देखिए अभी रास्ता दिखा, कौन सी जगह जी है, मुड़िला तो बीत गया ना पीछे, मुड़िला तो बीत गया, मुड़िला से आगे का भीष्मा, भीष्मा। हाँ गाइस देखिए आज दिन सुबह से, हाँ भीष्मा क्या है सामने लिखा हुआ, आज सुबह से अमौ भी आ गया भैया यहीं पे, भीष्मा अमौ सब एक ही पास है आमने सामने। अच्छा इस रोड पे इधर अच्छा दो रोड है ना, उधर गाँव है दोनों तरफ। क्या शानदार माहौल, गाइस देखिए मेरा तेल गया है ख़त्म और मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे याद भी नहीं है कि मेरा तेल ख़त्म हो गया और इस चक्कर में हो जाएगा, इसको क्या केएलपीटी कहते हैं देख रहे हैं गाइस अब हाँ ये घटिया तेल है ना, घटिया के चक्कर में उतर जाएंगे। अब यार बंद होगा, किस्मत में लिखा होगा तो बंद होगा, क्या करें, अब चल रहे हैं, हम चल दिए हैं। गाइस देखिए बहुत बड़ा टेस्टी होने वाला है, अब देखते हैं कि क्या, यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर है पेट्रोल पम्प और मेरा तेल खत्म हो चुका है, भूखा आ रहा है।
अब पता नहीं देखिएगा आज वो का रहा है एकदम आयल वाला ही साइड का है पूरा जीरो का, ये तो टेम्परेचर वाला है। अब पूरा डाउन हो चुका है, देखिए गाइस मेरा आज तेल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बहुत बड़ा टेडी होने वाला है यार, तेल वगैरह खत्म हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं आया यार, मैं भूल गया कि गाड़ी का तेल भी खत्म हो गया साला। अब मैं चूंकि गया वहाँ पे ब्राइज भागते भागते आया हूँ, मुझे याद ही नहीं। देखो पीछे एम्बुलेंस वाला भी अलग भोंक भोंक कर रहा है। फाइनली गए थे इतनी मुसग्गत से 5 किलोमीटर, रेड लाइट पे हम लोग आए हैं और फाइनली हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप भरवा रहे हैं, तेल डलवा रहे हैं हम लोग गाड़ी में। आज तो लगा कि जैसे हो गया एक ऐसे बोलोगे तुम गंदी गंदी बातें, अब तो मैं सब डाल दूंगा। देखना गाइस यही सब गंदे गंदे बोलती है, यही है मोगला स्टाइल। गाइस समझिए कि आज बहुत बड़े मुसीबत से बचे हैं हम लोग। मुसीबत क्या था, मतलब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है हम लोग के साथ। एक्चुअली में क्या था कि कल ही गाड़ी का जो फ्यूल इंडिकेटर है वो बिल्कुल लो पॉइंट पे बता रहा था, बट वो अप एंड डाउन जो बीप होता है ना वो चीज़ नहीं कर रहा था। और उस समय माइलेज के में वो अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स बताया था, 40 के आसपास। तो मैं सोचा यार चलो कल तक तो चली जाएगा, कहीं जाना है नहीं, कल हम फ्यूल डलवा लेते हैं। रात में आ गए हम लोग। आज चूँकि सुबह से ड्यूटी थी, ड्यूटी करने के बाद तुरंत मुझे पिपराइज जाना था एक मेडिकल कैंप में, फिर वहाँ गया और काफ़ी हम लोग मतलब ज़्यादा इतना शेड्यूल टाइट था, टाइम ही नहीं मिला और बिल्कुल भागा भागी में आते आते शाम तक, ज़्यादा ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा नहीं बना पाया मैं। और आते आते शाम तक मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे फ्यूल भी डलवाना है। और मैं जब घर आया और देखा कह यार बिल्कुल, जब अभी घर जब मैं बिल्कुल गाड़ी बंद करके निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद करने जा रहा हूँ कहने का मतलब, तो देख रहा हूँ बीप यार बिल्कुल डाउन और एंड अप एंड डाउन, वो बिल्कुल जो है उसका इंडिकेटर बिल्कुल लास्ट एंड पे है और बिल्कुल जो एक वो उसमें माइलेज बताता ना कि कितने किलोमीटर और चलेगा वो लास्ट, तो वो बिल्कुल डॉट डॉट हो गया था, कहने का मतलब वो लास्ट ख़त्म हो चुका था। अब तो मैं सोचा यार हो सकता है कि अब मुझे जो है कभी भी गाड़ी बंद हो सकती है और मुझे अब गैलन मैलन या डिब्बा ले करके जाना पड़ेगा फ्यूल लाने। बट गाइस मैं एक रिस्क लिया, मैं सोचा चलो इसे रिटर्न करते हैं। फिर मैं अपने आवाज़ से लेके गाड़ी पेट्रोल पंप तक गया, लगभग मान के चलिए 3 से 4 किलोमीटर पड़ा होगा, 3 किलोमीटर। और फिर वहाँ जाने के बाद अब एक्चुअली मैं रास्ते में 2 और पेट्रोल पंप थे बट वो अपोजिट डायरेक्शन में थे और वो कोई कट नहीं था, तो फिर उस साइड में कैसे कोई जाए, बिल्कुल 2 लेन है। फिर इस लेन का करते करते जाते जाते फिर ये कहिए कि मतलब किस्मत अच्छी थी कि बीच रास्ते में कहीं बंद नहीं हुआ, नहीं तो फिर मुझे तो गैलन डब्बा मग्गा लेकर के जाना पड़ता और फिर आना पड़ता, खुल लेते के समझिए बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती, मुझे फिर किसी को बुलाना पड़ता बाइक वाले को या फिर वगैरह वगैरह किसी न किसी को बुलाना पड़ता हेल्प के लिए। और फिर बाद में पता नहीं फिर गाड़ी स्टार्ट हो पाती चल पाती कि नहीं पाती, वो अलग बात है, ठीक है कितना टाइम लेता है या लेता क्या लेता, बट अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट ये शायद आज पहली बार था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो, बट संजोग से कुछ ऐसा नहीं हुआ और हम लोग वहाँ पहुँच गए, गाड़ी अच्छे से पहुँच गए। फिर हम लोगों ने फ्यूल लिया और फिर घर वापस आ गए, फिर वापस आके चाय वाय पिए और यही सब तब तक अभी बैठे ही हैं, तब तक याद आया कि यार आज तो बाल बाल बचे हैं। और गाड़ी गाइस एक तो ठंड ही इतनी तगड़ी ठंडी थी और ऊपर से गाड़ी का ये बिल्कुल सोचिए कि बाहर इस तरीके से मतलब बिल्कुल बहुत मैं उसको एज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसा था। तो गाइस जैसा कभी आप भी ना करिएगा और आइंदा मैं भी ध्यान रखूँगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, समय से पहले ही फ्यूल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वो कल की मेरी गलती आज मुझे भुगतना पड़ जाता, बट डोंट वरी कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ रह गया। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 12 बज गए हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ये ब्लॉग कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा।
इस ब्लॉग को देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करिए, और ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बढ़ाइए। आप लोग वीडियो देखिए ही नहीं, इसको सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को तक शेयर करिए, रिकमेंड करिए, अच्छा लगता है, मज़ा आएगा और आगे के ब्लॉग में भी अच्छा लगेगा। अभी तो ठंड का सीजन चल रहा है, ठंड से निकलते हैं, फिर कहीं घूमने भी चलेंगे, मज़ा करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट। Sorry, it's DJ.